मैं तुम्हारी शर्त के मुताबिक सरकार की तरफ से आया हूँ। पिस्तौल की क्या जरूरत है? बकवास बंद करो, रुपया लाए हो? यस। लाओ देखे। ठीक है, प्रोफेसर को उनके हवाले कर दो। हमें धोखा दिया गया है। धोखा? क्या कह रहे हो तुम? यस सर, धोखा तो नकली है। व्हाट? तुम इस वक्त कहाँ हो? व्हाट इज योर पोजीशन नाउ? 7116 ईस्ट 4123 नॉर्थ 10,000 फीट हाई। मुझे खतरा महसूस होता है, तुम फौरन नीचे आओ। Have a forced landing. Yes, sir. Hey! अफसोस, हमारा और एक नौजवान शहीद हो गया। सर्च पार्टी भेज दो और क्रैश का बचा हुआ सामान हेडक्वार्टर भेज दो। ओके सर।
7127 7 7 7 क्या? Hands up. पतंग ये हुस्न कातिल शबाब कातिल तू सर से पा तक तमाम कातिल तुझे जो देखा तो देखते ही तेरी निगाहों में खो गया दिल बड़े खिलाड़ी हो जब भी कोई लड़की मिलती है तुम उसे यही कहते हो लेकिन मिस्टर जब दिल खो जाता है मिलता नहीं कहानी बन जाता है मेरे पास दो दिल है एक दिल है जो प्यार के गीत गाता है दूसरा गम खाता है जो गम खाता है खो जाता है और दूसरा मेरे पास रह जाता है हाय तुम्हारी इसी अदा ने तो मार डाला है जाने जहां लेकिन तुम ये बता सकती हो कि तुम्हारी इस अदा का क्या नाम है जाने जहां अपने साथ साथ रहने का मौका दो और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी सेक्रेटरी तो बना लो मैं टाइपिंग शॉपिंग स्विमिंग डांसिंग वेडिंग और यहां तक फाइटिंग भी तुम बड़ी खतरनाक हो और खूबसूरत थी सुन जरा जाने जहां सुन जरा जानी जहां Thank you.
हेलो बॉस स्पीकिंग प्रताप स्पीकिंग सर तुम इस वक्त कहाँ हो सर मैं एक बड़ी नाजुक सिचुएशन में हूँ ये कोई नई बात नहीं ओ प्लीज डार्लिंग डार्लिंग ओ नो सर तो फिर मेरी नौकरी पक्की ओ नो डार्लिंग देन गो टू हेल Yes, boss. Report immediately to headquarters. Coming, sir, immediately. यह है प्रोफेसर शर्मा हमारे देश का लाजवाब साइंटिस्ट जिसकी इजादें हमारे देश का ही नहीं बल्कि सारी दुनिया का भला कर सकती है और दुश्मनों ने इसे गायब कर दिया और मुझे प्रोफेसर को दुश्मनों के पंजे से छुड़ा लाना है यही ना हाँ आज ही तुम्हें बंबई पहुंचना है आई एम रेडी सर बंबई पहुंचते ही एक्स वन से तुम्हारी मुलाकात होगी एक्स वन वो कौन है सर एक वतन प्रस्त शानदार पायलट लाजवाब रिकॉर्ड डेफिनेट शॉट जिसने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी कोडवर्ड हरियाणा कोडवर्ड हरियाणा और मुलाकाती एक्स वन एक्स वन एक्स वन एक्स वन A bulletproof jacket. Well done, well done, well done. मुबारक हो, मुबारक हो. हम आपकी हिम्मत की दाद देते हैं अगर कुछ हो गया होता तो क्या बुजदिल हजार बार मरते हैं बहादुर सिर्फ एक बार मरता है गुड वेरी गुड एक्सलेंट वेट 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 ऐसा नहीं एक हाथ यहाँ एक हाथ गर्दन पे और झटका मारो वेरी गुड अरे सुंदर तू यहाँ हाँ क्या किस्मत पाई है हसीनों की हसीन लात खाई है क्या बात है बात ये है कि बॉस का फोन आया है और आपको बुलाया है ओ बाय 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 ओ बाय बाय माफ करो बाय ये नौजवान हमारी डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा होनहार होशियार और बहादुर एजेंट ये शक्ल आंखों में पूरी तरह से उतर जानी चाहिए ताकि पहचानने में कभी गलती ना हो चाल ढाल शक्ल सूरत से ही इज वंडरफुल नॉट ओनली वंडरफुल He's terrific. अब उसकी आवाज सुनिए। ये हुस्न कातिल शबाब कातिल उस दर से पार तक तमाम कातिल तुझे जो देखा तो देखते ही तेरी निगाहों में खो गया दिल अच्छा तो ये है इसकी कमजोरी A lover of beauty. दून वैली के प्रोफेसर शर्मा जो बायोकेमिकल और एटॉमिक डिपार्टमेंट के हेड हैं उन्हें किडनैप कर लिया गया है प्लीज बी सीटेड ये प्रोफेसर शर्मा की फोटो है तो वो लवर बॉय कब आ रहा है यू मीन प्रताप
वो आज ही 3 बजे के प्लेन से बॉम्बे पहुंच रहा है। देखिए, आप दोनों को मिलकर प्रोफेसर शर्मा का पता लगाना है। कोड वर्ड हरियाणा। हरियाणा। बादशाह अगे तो मैं आया हाँ। तुमने तो ओवरटेक किया है महाराज। की फर्क पेंदे है बादशाह? क्या मतलब? और छद्दो, किस वास्ते झगड़ा कर दे हो? झगड़ा मैं कर रहा हूँ कि तुम हट जाओ मेरे रास्ते से। सोनियो सरदार, अगे पैर बढ़ा के पीछे हटना नहीं सीखे। अजी साहब छोड़िए इन दोनों को, आप मेरी गाड़ी में। कहाँ है आपकी गाड़ी? वो देखिए, जग प्रूफ, शॉक प्रूफ, इंटर प्रूफ, विंटर प्रूफ, समर प्रूफ, बुलेट प्रूफ, बेटम बम प्रूफ, ऑल प्रूफ, 90% प्रूफ, 10% नो गारंटी। अबे तू कहां से बीच में आके टपक पड़ा? हा 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 हा, क्या किस्मत पाई है। सर अदब से बात कर, अदब से। चलिए साहब, मेरी गाड़ी एयर कंडीशन है। और साहब मेरी गाड़ी विदाउट कंडीशन। भाई क्यों झगड़ते हो? फैसला कर लो कि पहले कौन आया। पहले मैं आया। पहले मैं आया हूँ साहब। अगे तो मैं आया हूँ। क्यों झूठ बोलते हो सरदार जी? वाय वाय वाय, हरियाणा के सरदार कभी झूठ नहीं बोलते। हरियाणा? आप हरियाणा के सरदार जी? जी हाँ, हरियाणा। मैं भी हरियाणा का। तो चलिए। माफ करना, देश वाला मिल गया। लो, देश वाला देश वाले को मिल गया। हाय क्या किस्मत पाई। वो भाई ये है तुम्हारी टैक्सी? अरे दूसरा पैसेंजर ढूंढेंगे। आओ भाई। अरे कहाँ जा रहे हो ये लोग, कौन है? अरे भाई, अरे वो तुम्हारी टैक्सी। Calling Tom, over. Yes, Tom speaking. प्रताप एजेंट हमारे हाथ से निकल गया है। टैक्सी नंबर 7510 में आ रहा है, उसे रोको। Over. All right, go drive. मिस्टर प्रताप, सरदार जी हम जानता तुम कौन, नीचे उतरो। Your gun, please.
दुख सरदार जी। ये तो शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होगा। लो ट्रांजिस्टराइज वॉकी चौकी, जब जरूरत पड़े मुझसे बात कर सकते हो। वंडरफुल। लेकिन सरदार जी ये सब कुछ समझ में नहीं आया मुझे। सेवन जीरो सेवन एजेंट ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, मेरा नाम प्रताप है। एक्स वन। लेट मीट यू। चलो होटल जाए। याद रहे आपका रूम नंबर 516, वहाँ आपकी मुलाकात उड़ती चिड़िया से होगी। उड़ती चिड़िया? यू मीन फ्लाइंग बर्ड? हाँ उड़ती चिड़िया। थैंक यू बॉस। गुड लक। मिस्टर प्रताप। Your room number is 516. Thank you. 516. कमरा है, मेरे कमरे का शावर खराब था इसलिए यहाँ चली आई। उम्मीद है आप बुरा न मानेंगे। आप तशरीफ रखिए, मैं अब भी हाजिर हुई। हुस्न कातिल, शबाब कातिल, तू सर से पा तक तमाम कातिल। तुझे जो देखा तो देखते ही तेरी निगाहों में खो गया दिल। बड़े दिल फेंक हो, मगर आपने हमारी नजर से नहीं देखा। कहा आपकी तारीफ। एक चिड़िया। चिड़िया? उड़ती चिड़िया। अच्छा तो आप हैं।
आपकी तारीफ दिल्ली से शुरू हुई और यहाँ होटल के बाहर भी आप ही का चर्चा हो रहा है। देखिए, देख तो रहा हूँ। ग्लैड टू मीट यू मिस सीताराम। प्रताप, मैं बंबई एक खास काम के लिए आया हूँ। और मैं आपकी मदद के लिए चुनी गई हूँ। वेरी गुड। आज रात होटल में मेरे डांस होने वाले हैं। हम आपको डांस देखने जरूर आएंगे। जी नहीं, आप डांस में मेरे पार्टनर हैं, यानी कि आप मेरे साथ और मैं आपके साथ। बिल्कुल करें। ओके पार्टनर, और फिर डांस के बाद। अरे यहाँ से कहाँ जा रही हो? सचमुच चिड़िया ही है। मेरा दिल जाओ जी जाओ ना, हमको सताओ ना, दुनिया कहेगी क्या ऐसे बुलाओ ना, अरे दिल है तेरा दीवाना, अरे तेरा दिल, तेरा दिल, तेरा दिल। महबूब हो एक तुम सा, एक याद मिले हम सा, महबूब हो एक तुम सा, एक याद मिले हम सा, फिर देखो जिंदगी का आता है मजा कैसा। समाओ ना, हम भी तुम्हारे हैं, हमको सताओ ना, अरे दिल है मेरा दीवाना, हाय रे मेरा दिल, मेरा दिल, मेरा दिल। कभी नहीं जाओ जी जाओ ना, हमको सताओ ना, दुनिया कहेगी क्या ऐसे बुलाओ ना, हर दिल है तेरा दीवाना, हर तेरा दिल, तेरा दिल, तेरा दिल। तरसाना, तड़पाना, तरसाना।
कभी नहीं। जाओ जी जाओ ना, तुमको सताओ ना, दुनिया कहेगी क्या, कैसे बुलाओ ना, हर दिल है तेरा दीवाना, हर तेरा दिल, तेरा दिल, तेरा दिल। आओ जी आओ ना, दिल में समाओ ना, हम भी तुम्हारे हैं, हमको सताओ ना, हर दिल है मेरा दीवाना, हर मेरा दिल, मेरा दिल, मेरा दिल। बहुत अच्छे कपड़े बदल कर मुझे ऑफिस में मिली। किस्मत पाई है, तुम तो अच्छे खासे नचवाइये भी हो। क्या आई मीन टू से डांसर, डांसर। तो आप यहाँ भी पहुँच गए? हाँ। तो तुम्हारा मतलब है कि कोई अजायब खाने में रहूं? अरे भाई मैं तो तुम्हारा साया हूँ, एरोड्रोम पे भी तो आया था। वेरी गुड, वेरी गुड। बाय मैन। यस सर। कैन आई हैव अ बॉटल ऑफ किंग ऑफ किंग्स प्लीज? सॉरी नॉट इन स्टॉक। ब्लैक डॉग? यस ब्लैक डॉग। हाउ स्वीट। ओह शट अप। तो फिर आप कुछ फरमाइए। ये बहुत अच्छा है। एक्स वन। एक्स वन? नहीं नहीं, मुझे स्पेशल ब्रांड चाहिए, अपना ब्रांड। तो फिर मैनेजर के ऑफिस में जाइए, आपका ब्रांड वहां मिलेगा। बाय बाय, सी यू अराउंड। अच्छा तो क्या आप प्रोफेसर शर्मा को जानती हैं? जी हाँ, उनकी लड़की सुशीला कॉलेज में मेरे साथ पढ़ा करती थी। यहाँ आने से पहले सुशीला ने मुझसे कहा कि आपके होटल से ही उनका आखिरी खत मिला, उसके बाद कुछ पता नहीं चला, बेचारे बहुत परेशान है। मुझे सुशीला के साथ हमदर्दी है। आप सुशीला की कुछ मदद कर सकते हैं? कैसे? सोचिए, ख्याल कीजिए, कुछ पता ठिकाना, कहाँ जाया करते, किनसे मिला करते, कौन उनसे मिलने आया करता था, कोई टेलीफोन या कोई उनकी ऐसी चीज। अरे हाँ याद आया, एक अपॉइंटमेंट डायरी है, वो उनके टेबल पर पड़ी थी, मैंने संभाल कर रखी। ये है वो डायरी। क्या मैं देख सकती हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं। एंटर। डायरी दो। जिंदगी प्यारी है तो डायरी दे दो नाउ। अरे
X1. X1 speaking. Over. जो आदमी टेरेस से गिरा तुमने उसको देखा? हाँ, देखा. Over. उसके जेब में प्रोफेसर शर्मा की डायरी है. निकाल लेना. Okay. Over. चलो. चल. को डॉक्टर बैनर्जी की कार प्रोफेसर को 9:30 लेने आई और उसके बाद वो वापस नहीं आए. लेकिन इस डायरी में बार बार डॉक्टर बैनर्जी का जिक्र आ रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर बैनर्जी से हमारा मिलना बहुत जरूरी है. यू आर राइट. इसके लिए कोई तरकीब या प्लान सोचना चाहिए. प्लान? एक फर्स्ट क्लास प्लान याद आ गया. क्या किस्मत पाई है, भूल गया. अच्छा तो सुनो, हेलो, कौन? हाँ साजन, मैं पतंग, तुम दोस्त. ओ पतंग, कहो क्या हाल है. जब से आप बॉम्बे आए हैं एक बार नहीं बल्कि 3 बार आपकी जान खतरे में पड़ चुकी है. लेकिन हर रात चांदनी रात नहीं होती डार्लिंग. बिल्कुल ठीक कहा आपने. फिर आपको मेरे जैसे एक असिस्टेंट की जरूरत है जो हर वक्त आपके साथ साए की तरह रहे. तो फिर नौकरी पक्की? सॉरी, अगर मैं आपको अपना असिस्टेंट रखूं तो सारा दिन पतंग ही उड़ती रहेगी. फिर भी हमारी कोशिश जारी रहेगी. जारी रखिए. बाय बाय. I love you very much. I don't know why. I love you. I love you. Hey, my dream boy. What a figure. What a body. Wonderful. Tumhi chahe hamare sapno ka Rajkumar. Abhi hum Dilip Kumar ko kya karenge? Just come please.
मैम साहब मैं क्या कहा मैम साहब वंस मोर प्लीज फिर से उसी स्टाइल से बोलो मैम साहब मैं इलेक्ट्रिक कंपनी से आया हूँ वो तो तुम्हारा ड्रेस ही बताता है मैम इतना यंग एज में तुम सर्विस काय को करता है तुम्हारा नाम क्या है चंदन आ कितना खुशबू भरा नाम है जब से मला तेरा जूते का खाक चंदन का लगाना छोड़ दिया चंदन का लगाना मैडम प्लीज मैडम सॉरी सॉरी हमको थोड़ा मूड आ गया था अभी तुम बोलो क्या है आपका एयर कंडीशन मशीन खराब हुआ है तुम उधर का बात करते हैं तुमको देख के हमारा कंडीशन खराब हो गया देखो हाथ लाओ हमारा हार्ट ऐसे चलता है जैसे दक्कन क्वीन तुम्हारा शादी हुआ नहीं हमारा वेडिंग भी नहीं हुआ अभी मुझे जल्दी जाना है अरे बैठो मैम किधर जाकर तुम्हारा हाथ कितना नरम नरम है हमारा हार्ट भी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है ओ मैम साहब नो मोर मैम साहब हमारा नाम है ब्यूटी क्वीन मिस गीता मारिया अच्छा है ना अच्छा तो मिस ब्यूटी यस डॉक्टर बैनर्जी ने टेलीफोन किया था कि एयर कंडीशन मशीन खराब है हाँ। अगर वो चालू है तो मैं जाता नहीं 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 डॉक्टर ने फोन किया था तो तुम सबसे पहले मशीन को ठीक करो बाबा जाओ जल्दी जाओ एंड कम बैक सून चंदन मिस ब्यूटी इन्हें तुमको आग मारा नेक्स्ट संडे वेडिंग बेल ला रहा हूँ ठीक चल रहा है एड्रेस इसके साथ बिल्कुल ठीक चल रहा है क्या करता है मैं चंदन अभी आया दो मिनट नो नो दो मिनट बहुत होता है एक मिनट में आओ डार्लिंग जिस रोज हमारा मैरिज होएगा हम पूरा 5 नारियल फोड़ेगा आप डॉक्टर बैनर्जी है क्या yes. तो आज ये हमारा नया खेल जरूर देखिए इसका नाम है अली बाबा 40 चोर इसमें बहुत चोर है साहब आपको बहुत मजा आएगा आप सब बात सुनिए सब हम नाराज हो गए ओ साहब खबरदार आ गया चोरों का सरदार आ गया जल्दी कीजिए जल्दी आइए मिस ब्यूटी मशीन ठीक हो गया हाँ अब रूम बिल्कुल ठंडा हो गया चलो इस कार्ड पर जल्दी से साइन कर दो ओए जी रूम तो तुम ठंडा कर दिया बट हमारा हाथ तो अभी तक गर्म है वो कब बराबर होएगा हमारे साथ कोल्ड कॉफी पिएगा बस ये ओके गरम पम 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 टिक 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 गरम पम 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 डार्लिंग कॉफी डॉक्टर साहब आई एम वेरी सॉरी बट कॉफी मिस गीता मारिया यस सर तुमसे कितनी बार कहा है कि ये ऑफिस है कॉफी हाउस नहीं यू शुड बिहेव प्रॉपर्ली आई एम सॉरी देखो आज सोहनगढ़ की राजमाता आ रही है यस मोहन का माता सोहनगढ़ की राजमाता अदब से पेश आना ओके बॉस कम 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 काय को टेबल तोड़ता है मुझसे नहीं बात करने को सकता गुड मॉर्निंग मैडम मैडम नहीं yes. सोहनगढ़ की राजमाता यस yes, मोहन की माता नो नो नो
आहंगर की राजमाता। Oh, I see. You're right, madam. हमको डॉक्टर तुम्हारे लिए बोला पहले। डॉक्टर आहंगर है? Yes. अभी चाया। Come in. एकदम गोरा गोरा। Beautiful. Oh. Yes. Oh, all diamond. Shining diamond. What is the Juma bill? तुम्हारे लिए। Oh, thank you, madam. God bless you. जाओ, छुट्टी। हाँ, हमेशा के लिए छुट्टी? आज के लिए। Okay, thank you. तरह तरह। One minute, madam. डॉक्टर अच्छा आदमी है, लेकिन होशियार नहीं है, एकदम बुद्धू है। एक दांत निकालता है, अखा दांत बाहर आ जाता है। कस्टमर लोग कुर्सी से जंप करके खिड़की के बाहर जाता है। My God, be careful. Thank you. It's all right, Rajmata. God bless you. Dr. Banerjee. कौन? Rajmata of Sohangarh. Oh, Rajmata. आइए आइए, तशरीफ रखिए. Oh, my arthritis. फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? कर्नल बाली और मिसेस खन्ना को आप जानते हैं ना? जी। आपका नाम पता जानने के लिए ऐसे ही दो हीरे देने पड़े, सौदा महंगा पड़ा। Oh, I'm sorry. अब तो नाम याद आए? जी हाँ, मैं उनका फैमिली डॉक्टर हूँ। Oh, I see. फैमिली डॉक्टर। तो फिर आप प्रोफेसर शर्मा को भी जानते होंगे? जी हाँ, जी नहीं। नहीं? Strange. ताज्जुब है। 13 सितंबर को कर्नल बाली और मिसेस खन्ना के साथ प्रोफेसर से आपकी मुलाकात हुई होटल में। 15 सितंबर को आपकी कार प्रोफेसर को लेने गई। इन सब की कीमत 10 लाख होती है। मेरी समझ में नहीं आया राजमाता, अभी अभी आप प्रोफेसर की बात कर रही थी और अभी आप हीरो पर आ गई। बहुत सिंपल, प्रोफेसर शर्मा भी एक अनमोल हीरा है और हीरे की कीमत हीरा। अगर आप बता दे वो कहाँ है तो क्या? तो एक ही दिन में आप लखपति बन सकते हैं। राजमाता, आप शर्मिंदा कर रही हैं। हाँ, याद आया, एक बार प्रोफेसर शर्मा कर्नल बाली और मिसेस खन्ना के साथ यहाँ आए थे किसी ट्रीटमेंट के लिए। अब वो ट्रीटमेंट क्या था मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। अगर आप इजाजत दें तो मैं केस पेपर्स देख लूं। जरूर जरूर। थैंक यू, मैं अभी हाजिर हूँ। लालच पे डॉक्टर फंसा। X1 calling. Doctor telephone kar raha hai. Relay back the talk. X1, talk back connected. Hello? Just a minute, please. Captain, a message for you. Thank you. Yes, Captain speaking. Hello, Captain. हम सब लोग एक दिन में लखपति बन सकते हैं। क्या मतलब?
अनमोल हीरे लेकर सोनगढ़ की राजमाता यहाँ आई है। किस लिए? प्रोफेसर शर्मा का पता पूछने के लिए। उसे तुम्हारा पता कैसे चला? मेरा पता जानने के लिए उसे कर्नल बाली और मिसेस कन्ना को दो हीरे देने पड़े। इम्पॉसिबल, कर्नल बाली तो मेरे पास मौजूद है। लो बात करो। यस कर्नल बाली स्पीकिंग। डॉक्टर, ना तो हमारे पास सोनगढ़ की राजमाता आई और ना हीरे मिले। वो राजमाता के बेस में कोई जासूस होगा। लेकिन हीरे? हीरो को भूल जाओ और वही करो जो रंगून वाला जौहरी और फ्रांस के प्रोफेसर के साथ किया था। ऑटोमेटिक चेयर। यस ऑटोमेटिक चेयर। याद रहे हमारी बातचीत का एक एक लफ्ज टेप करके गोल्डन ड्रैगन के पास पहुंचाई जाती है। हीरों की लालच में तुम्हारी एक एक गलती हम सबको बर्बाद कर देगी। तो फिर मैं क्या करूं? ऑटोमेटिक चेयर और कुछ नहीं। ओके। राजमाता, आप वहां क्यों जा बैठी? अ ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ से बाहर का नजारा अच्छा दिखाई देता है। ओ यस, नजारा तो वाकई वहाँ से बहुत अच्छा दिखाई देता है। हाँ तो राजमाता, वो प्रोफेसर शर्मा, मैंने उसके कागजात। डॉक्टर को ले जाओ। Speaking 6280. सुनो, डॉक्टर बैनर्जी के यहाँ कोई जासूस आया हुआ है। जाओ देखो क्या हो रहा है। ओवर। ओके बॉस। अब क्या करूं? बैकिंग नंबर 5 यानी फायर जेट। हाँ 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 हाँ।
चल्ला बिजली गिरे जी दिल पे बिजली गिरे प्यार कोई कम कम करे गाए गोरी चम चम करे बना लूं दिल की धड़कन में तुझको छुपा लूं ऐसी नजरों से देखो ना गलमा आशा अपने में कैसे संभालूं नशा है सनम ये मेरे प्यार का भरोसा नहीं है तेरे प्यार का काहे गोरी चम चम करे बिजली गिरे जी दिल पे बिजली गिरे प्यार कोई कम कम करे हाय अल्लाह धीरे धरे जी जरा धीरे धरे काहे गोरी चम चम करे प्यार कोई कम कम करे
एक लफ्ज देख करके गोल्डन ड्रैगन के पास पहुंचाई जाती है। हीरों की लालच में तुम्हारी एक एक गलती हम सबको बर्बाद कर देगी। तो फिर मैं क्या करूं? ऑटोमेटिक चैट और कुछ नहीं। दुश्मन काफी चालाक और बेरहम मालूम होता है। सर, इस टेप को सुनने के बाद ऐसे लगता है कि प्रोफेसर शर्मा शिप पर है, या ये शिप का कैप्टन उनके बारे में कुछ बतला सकता है। आइडिया। क्या? शिप पर जाना चाहिए। मगर मिस्टर बेबीकर, शिप पर जाएंगे कैसे? हाँ, क्या किस्मत पाएंगे। हाँ तो शिप पर जाएंगे कैसे? इसी जहाज के कैप्टन की एक एप्लीकेशन हमारे पास आई है। वो जहाज पर डांस पार्टी का प्रोग्राम करना चाहता है। डांस पार्टी?
कितनी बार कहा है कि ट्रे को राइट साइड पर न रखा करो, यहां पिल से मेरा स्पेशल फॉर्मूला पड़ा हुआ है, समझे? सॉरी सर, आइंदा की गलती नहीं होगी। प्रोफेसर साहब, आपकी चाय तैयार है। डोंट डिस्टर्ब मी, जाओ तुम अभी, चले जाओ। यस सर।
Hands up. ब्यूटिफुल, काश मैं आपको शेर सुना सकता, लेकिन अफसोस मैं जल्दी हूं। छोड़ दो, टेक योर हैंड्स ऑफ मी। फिर मिलेंगे। बाय बाय। मेरे धर्मोला, मेरे प्रिंस, सूजी, सूजी, मेरा धर्मोला, मेरे प्रिंस, मेरा धर्मोला, मेरे प्रिंस। कालीन कैप्टन, कालीन कैप्टन, कैप्टन, मेरी टेबल से प्लेट्स और फॉर्मूला किसने उठा लिया? जल्दी आइए। उसके अंदर क्यों जा रहे हो आप समझ से? क्या देख रहा हूँ? मेरे प्लेट्स, मेरे फॉर्मूला, प्रोफेसर। अब आपका यहाँ रहना ठीक नहीं, खतरा है। कैसा खतरा? पुलिस अब जहाज को चारों तरफ से घेर लेगी। पुलिस? पुलिस को तो जरूर आना चाहिए, फॉर्मूला किसी गलत हाथों में नहीं पहुंचना चाहिए कैप्टन। प्रोफेसर, मेरे पास फजूल बातें करने का वक्त नहीं है, काम बिपी। सजी, ये क्या हो रहा है? मुझे कहां ले जा रहे हो? तीन लोग उसे रोको। Thank you.
girl. Great, great. Yes, oh, hit it off. Now, nothing. Now, nothing. Now, nothing. Now, nothing. Good day. नंबर वन एंड नंबर थ्री को एक गोली का लाखवां हिस्सा यानी तिनके से भी तिनका भर पानी में मिलाकर दिया जा रहा है और नंबर टू एंड नंबर फोर को सिर्फ सादा पानी दिया जा रहा है। पियो। नंबर वन नंबर थ्री कम ये नंबर टू नंबर फोर यहां आओ। नंबर वन एंड नंबर थ्री को हॉस्पिटल ले जाओ रिसर्च के लिए। ये गोलियां कितनी खतरनाक हैं। ये गोलियां तहलका मचा सकती हैं। इन गोलियों की मदद से बिना किसी हथियार के बड़ी से बड़ी ताकत पर कब्जा किया जा सकता है। और वो फॉर्मूला? उस फॉर्मूले पर गवर्नमेंट लेबोरेटरी में गौर किया जा रहा है। अब हमें देश की खातिर किसी भी कीमत पर प्रोफेसर शर्मा को दुश्मन के कब्जे से छुड़ा लाना चाहिए। आओ प्रतिज्ञा करें। हम प्रतिज्ञा करते हैं मैं कहा तुम लोग कौन हो मुझे कहां ले जा रहे हो रोटी खाने Find out the secret plan of the enemy. Tar jungle. 54 miles from GPO. Important. Hello. Pratap. Main. Samajh gaya, samajh gaya. Sajna. Main patang tum door. Bol rahi ho na? Haan, main patang. Aaj aap ek khaas jagah. खास काम से और खास मुलाकात के लिए जा रहे हैं ना प्लीज डोंट गो मत जाओ क्या हुआ दो आदमी मेरी तरफ आ रहे हैं करीब आ रहे हैं एक आदमी ने रिवॉल्वर निकाल लिया
आज आपने पतंग की जिंदगी की डोर को कटने से बचा लिया, शुक्रिया। लेकिन वो लोग कौन थे और तुम्हारा पीछा किस लिए कर रहे थे? वो तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन जब मैं आपको टेलीफोन कर रही थी वो लोग आ गए। मैं समझती हूँ वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं आपको टेलीफोन करूं। मैं वहां से भागी, उन लोगों ने मेरा पीछा किया, के बाद क्या हुआ ये तो आप खुद ही जानते हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं शुरू से ही आपकी असिस्टेंट बनना चाहती थी ताकि हमेशा के लिए आपके करीब आ सकूं, बहुत करीब रह सकूं, अपने दिल की बात आपसे कह सकूं, आपके दिल की धड़कनों को सुन सकूं। प्रताप, प्रताप, एक बार फिर वही शेर सुना दो। मैं सुनाती हूँ, ये हुस्न खातिर शबाब खातिर तू सर से पार तक तमाम कातिल, तुझे जो देखा तो देखते ही तेरी निगाहों में खो गया दिल। ये कौन थी? ये एक शायरी की शौकीन, आई भी और गई भी। इन शायरों को समझना कोई हंसी खेल नहीं। तो फिर नौकरी पक्की? ऑन प्रोबेशन। Thank you.
क्या करो जाना जाना प्रताप, तुम आ गए। अब साथ साथ मरने में भी मजा आएगा। तुम इस गैंग को जानती हो? आखिर असिस्टेंट तुम्हारी हो ना। मुझे इन्हीं लोगों से पता चला था कि तुम कोई खास काम के लिए जा रहे हो। तुम्हें खबरदार करने लगी तो ये हाल हुआ। तुम शराब बातें कम करो, अलग कर दो से। फॉर्मूला और पिल्स कहाँ है? ओ, तो तकलीफ तुम्हें हो रही है। अच्छा तो तुम बताओ कि फॉर्मूला और पिल्स कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानती इस बारे में, मुझे कुछ नहीं मालूम। अभी मालूम हो जाएगा, ले जाओ उसे और इतनी तकलीफें दो कि ये खुद बहुत बता दे। ले जाओ। Thank you.
रहे हो ये चीखे? एक औरत पर इस तरह जुल्म कर तो शर्म नहीं आती? तो फिर तुम बताओ कहाँ है वो फॉर्मूला और पिल्स? इस तरह नहीं बताओगे। देखा तुमने, तुम्हारा भी यही हशर होगा। अब भी बताओ वरना तुम्हारी खामोशी तुम दोनों के लिए मौत बन जाएगी। बन जाता कीमा, बच गया भाई, बच गया। आप बच कैसे गई? गोली नहीं लगी? डोंट वरी, बुलेट प्रूफ जैकेट। अरे यहाँ गोली नहीं लगती लेकिन वो लोग भाग गए। मैं जानता हूँ। हेलो, प्रताप स्पीकिंग। प्रताप, डू यू रिमेम्बर मी? सूजी, शिप पर प्रोफेसर के कैबिन में मिले थे। मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? और मैंने कहा था कि हम फिर मिलेंगे। दैट्स राइट, आप प्रोफेसर शर्मा को मिलना चाहते हैं? क्यों नहीं, अगर आप साथ हो तब। ओके, मीट मी 8 PM शॉप होटल रेनबो। सी यू 8 PM शॉप होटल रेनबो। Thank you.
प्रोफेसर शर्मा कहाँ मिलेंगे? आइए चलिए। सजना, मैं पतंग, तुम डोर, ये बाहें कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं? तुम्हें शायद ये नहीं मालूम कि मैं यहां किसी और से मिलने आया हूं। मालूम है, तुम प्रोफेसर शर्मा से मिलने आए हो। मैं ये जानती थी कि तुम मेरे बुलाने से नहीं आओगी, मैंने सूजी से फोन करवाया। हाँ, वो तुम्हारी नकली चीखें अभी तक याद है। वो सब भूल जाओ, उन लोगों ने मेरे साथ ही जबरदस्त धोखा किया है। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, क्या इनमें धोखा नजर आता है? इनमें तो सिर्फ तुम और तुम्हारा प्यार है। ऐसे लगता है किसी नए प्रोग्राम की रिहर्सल कर रही है। एक्टिंग अच्छी कर लेती है। प्रताप, तुम मेरे जज्बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं मजबूर थी? प्रताप, एक बार फिर वही शेर सुना दो। मेरे कान हमेशा तुम्हारी बातें सुनने के लिए बेताब रहते हैं, मेरी आंखें तुम्हारी आंखों में खो जाना चाहते हैं। मुझ पर यकीन करो, पता मुझ पर यकीन करो। लेबोरेटरी के मशहूर साइंटिस्ट, और आप यहां? कौन हो तुम? 707 एजेंट ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। मेरा नाम प्रताप है। गवर्नमेंट ने मुझे आपका पता लगाने के लिए मुकरर किया है। ये सब बेकार की बातें हैं। जिसने तुम्हें भेजा उसे जाकर कह दो कि मैं उसके लिए कोई काम नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारे हर लफ्ज में धोखेबाजी की बू आ रही है। मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं उन लोगों में से नहीं। मैं आपसे एक बार पहले भी मिल चुका हूँ। कहाँ? जहाज पर, कैबिन में, जब आप अपने काम में मसरूफ थे। चुपके से मैं ही आपके टेबल से पिल्स और फॉर्मूला उठा ले गया था। कहाँ है वो फॉर्मूला?
हमारी सरकार के पास आपके फॉर्मूला को समझने की कोशिश की जा रही है। इम्पॉसिबल, मेरे बगैर उसे कोई नहीं समझ सकता। कितनी उम्मीदों से मैंने ये इजाद की। मैं समझता था कि मैं दुनिया की तरक्की के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि वो फार्मूला किसी इंसान की नहीं एक शैतान के हाथ में पड़ गया तो मुझे सख्त रंज हुआ। काश मुझे वो फार्मूला मिल जाए तो मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूं। नहीं प्रोफेसर, हमारे देश को आपकी और आपके फार्मूले की सख्त जरूरत है। नहीं नौजवान, अगर वो फार्मूला किसी गलत हाथ में पड़ गया तो कितनी तबाही आएगी इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकते। एक ही चुटकी में लाखों करोड़ों लोगों की जान जा सकती है। सूजी, आपको बुलाया है। हेलो हनी, सो यू आर हियर। आज टेलीफोन किए भी नहीं चली आई, तो तुम भी इस गैंग की सुनहरी नागिन हो। आज तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पे उदासी क्यों? नहीं प्रताप, सूजी एक नहायत मजबूर लड़की है। इसका बाप डॉक्टर मायर यूरोप का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। उसे भी मेरे ही तरह इस अंधेरी दुनिया में लाया गया। गोल्डन ड्रैगन के भूखे भेड़ियों ने उसे हाइबरनेशन चैम्बर में ट्रक छोड़ा है। हाइबरनेशन चैम्बर? हाँ। क्या मतलब? आओ। यही है हाइबरनेशन चैम्बर, यानी बर्फ खाना। इस जानने में दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों को लाया गया है। जब कोई गोल्डन ड्रैगन का कहा नहीं मानती तो उसे इस बर्फखाने में डालकर जिंदा लाश बना दिया जाता है। यह है सूजी का बाप डॉक्टर मायर। इसने भी गोल्डन ड्रैगन के नापाक इरादों में साथ नहीं दिया और यह है उसका नतीजा। चलिए हम दोनों मिलकर कोई रास्ता निकाल सकते हैं। तुम मेरी मदद करोगी? आई वुड लव टू हेल्प यू, लेकिन गोल्डन ड्रैगन एक डेंजरस कनिंग क्रूर हार्टलेस क्रीचर है। बी केयरफुल। गोल्डन ड्रैगन हो, हम दोनों मिलकर कोई रास्ता निकाल सकते हैं। तुम मेरी मदद करोगी? आई वुड लव टू हेल्प यू, लेकिन गोल्डन ड्रैगन एक डेंजरस कनिंग क्रूर हार्टलेस क्रीचर है। बी केयरफुल। सूजी ने जो कुछ कहा है, मैं इतनी बेरहम नहीं हूं। मेरे सीने में भी दिल है जो प्यार करना जानता है, जो प्यार पाना चाहता है। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम सारी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। लेकिन उस दुनिया पर तुम्हारे पाप का साया होगा। हजारों बेगुनाहों की चीखों पुकार होगी जो तुम्हें कभी चैन से बैठने नहीं देगी। मैं कामयाबी के बहुत करीब पहुंच चुकी हूं। इस दुनिया को अपने हाथ में लेकर ही रहूंगी। तुम्हारे हाथ गैरों के हाथों में बिक चुके हैं। बिके नहीं, बल्कि मैंने अपने फायदे के लिए सौदा किया है और अब यही हाथ तुम्हारे हाथों में देना चाहती हूँ। दिल तो पहले ही दे चुकी हूँ। जिंदगी की कसम, मुझे तुम्हारी मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं चाहिए। कुछ जिसे तुम मोहब्बत कहती हो वो मोहब्बत नहीं परे, जिसे तुम प्यार कहती हो प्यार नहीं धोखा है। तुम्हें कैसी औरत हो जो मोहब्बत और प्यार के काबिल नहीं है? तुम बेवकूफ हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं समझ गई, जिस औरत ने तुम्हारा दिमाग खराब किया है वो मेरे कब्जे में है और तुम्हारे दूसरे साथी
वो भी मेरे शिकंजे में फंस गए हैं। देखना चाहते हो? वो देखो। देख लिया? यहाँ तक तो पहुँच गए, मगर वापस जाने की उम्मीद नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि आगे कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगे? घबराओ नहीं। हाँ? ये स्पेशल टाइप रिवॉल्वर हमारी मदद करेगा। स्पेशल? इसमें खास बात क्या? चुप। तुम्हारा ही रिवॉल्वर तुम सबको खत्म कर देगा। हाँ, क्या किस्मत पाई है, हमारा ही रिवॉल्वर। मरने के लिए तैयार हो जाओ। हेलो, गोल्डन ड्रैगन इतनी बेरहम नहीं कि एक माँ के सामने उसकी बेटी को गोली से उड़ा दिया जाए। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैडम मैक्स वन सितारा की माँ। वाह, क्या किस्मत पाई है। सुना करते थे कि सफेद झूठ भी कोई चीज है, लेकिन आज आंखों से देख लिया। खामोश, हमारे बॉस को झूठ से नफरत है। लेकिन इसका सबूत? सबूत? सबूत हमेशा इसके पास मौजूद रहता है। ये देखो, मैडम मैक्स वन, उनकी बेटी सितारा, और ये है उनके बाप मिस्टर कृष्णन, सरकारी जासूस। और सुबह चाहिए? यह है आखिरी जंग का अखबार, जिसमें इस तस्वीर से जाहिर होता है कि मिस्टर कृष्णन को उनकी शहादत के बाद उनकी पत्नी मैडम एक्स वन को सरकारी मेडल पेश किया जा रहा है। अगर यकीन नहीं आता तो ये इनकार करें। मुझे अपनी बहादुर बेटी पर नाज है। और मुझे भी खुशी है, मैं बहादुर माँ बाप की बेटी हूँ। लेकिन तुम्हें यह खबर नहीं कि जिस प्रोफेसर के लिए तुम लोग मरना चाहते हो, अब उसने मेरे साथ मिलकर काम करना मंजूर कर लिया है। क्या? अब तुम लोग बाजी हार चुके, जीत इसी में है कि अब मेरा साथ दो। ये कभी नहीं हो सकता। हम अपने फर्ज पर जान लुटा देंगे। जान तो हम लुटा चुके हैं, तुम तो मेरी जान हो प्यारे। तुम सबको एक और मौका दिया जाता है, अच्छी तरह सोच लो। ले जाओ इन सबको। हेलो, ए बी सी डी ई एफ। शट अप। भगवान के लिए हमें कुछ सोचने दो, कुछ सोचने दो। मैं कुछ घास नहीं काट रहा हूं, मैं भी सोच रहा हूं कि जब माँ एक सुवन है तो बेटी को क्या होना चाहिए। बेटी? बेबी एक्स वन। लेकिन मुझे तो यह फिक्र है कि तुम्हें क्या फिक्र पड़ी है? तुम तो गोल्डन ड्रैगन की जान हो प्यारे। फजूल मत बोलो, पहले ये सोचो कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकलें। जी वो तो मैंने सोच लिया। क्या? जेल से बाहर तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन प्रोफेसर हम सबको आगे की मुसीबतों से बाहर कौन निकालेगा? वो सब मुझ पर छोड़ दो। Thank you.
ये है सिग्नल ट्रांसमिटर, इसके जरिए हमारे हेडक्वार्टर को खबर मिल जाएगी कि हम लोग कहाँ हैं और हमारी मदद के लिए जरूर आएंगे। मैं ये दरवाजा जरूर खोल सकता हूं मगर एक बहुत बड़ा धमाका होगा। भाई ये तुम्हारा बड़ा धमाका रहने दो और जरा बंदे का साइलेंट कमाल देखो। सॉरी माफ करना। आइए आइए आइए। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं, तुम्हारा ही रिवॉल्वर तुम्हें खत्म कर देगा। नहीं भाई, हम अभी जल्दी से मरना नहीं चाहते भाई। किस्मत पाई है, ये तो उल्टी गंगा है, बड़े काम की चीज है। जल्दी ये क्या कर रहा है भाई, ये बड़ी बंदूक से नहीं छोटी बंदूक से मार। चला वैसे ही होगा। ए, ए, उसको नहीं मुझे मार मार करो। मैं मर रहा हूँ, देख अपनी आँख मार बाबू। चलो दूसरा भी पहुंच गया। चल 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 चल। देखो ना यार, मरना चाहती है, समझा ना भाई। अरे ऐसी भरी जवानी में क्यों मरना चाहती है? मैं गोल्डन ड्रैगन के हाथों से मरना नहीं चाहती। फिर मैं अपने हाथों से मरना चाहती हूँ। मगर मत समझाओ भाई, आपने तू मरना चाहती है ना? जी मरना चाहती है। जी मर। जी तुम मर। तीसरा भी पहुंच गया। चल अरे ये तो जेल से भागे हुए हैं, ले चलो इन्हें गोल्डन ड्रैगन के पास। प्रोफेसर साहब, क्या ये सच है कि आपने गोल्डन ड्रैगन के साथ काम करने का फैसला कर लिया है? गद्दारों के साथ मिलकर काम करने की बनिस्बत मुझे मौत ज्यादा प्यारी है नौजवान। तो फिर चलिए यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। उसने पूरी टनल इलेक्ट्रिफाई कर रखी है, उस शैतान औरत की मर्जी के खिलाफ यहाँ से बाहर निकलने का मतलब है मौत। प्रोफेसर, शान इसी में है कि जिंदगी मौत से खेले। चलिए प्रोफेसर। आइए।
दोनों को जेल से भागते हुए पकड़ा, बाकी इनके साथी प्रोफेसर को लेकर फरार हो गए। भाग कर जाएंगे कहां? तुम्हारी बेटी और तुम्हारा बेवकूफ साथी दोनों गिरफ्तार हो गए हैं। अगर तुम्हें अपनी बेटी की जान प्यारी है तो प्रोफेसर और प्रताप को लेकर मेरे पास 2 मिनट के अंदर अंदर आ जाओ। याद रहे, सिर्फ 2 मिनट। ठहरो, तुम प्रोफेसर को संभालो, ये मेरा काम है। के साथ साथ तुम हम तक पहुंच सकती हो। सिर्फ 10 सेकंड बाकी हैं। शिफ ले आई, लेकिन प्रोफेसर कहाँ है? उसे भूल जाओ, हमने जो कसम खाई थी वो पूरी हो गई। नहीं, तुम्हारे दिन पूरे हो गए हैं। वो देखो,
तुम्हारी बहादुर बेटी जिस पर तुम्हें बहुत नाज है, हम चाहें तो अभी खत्म कर दें। फिर देर किस बात की है? और मैं भी मरने के लिए तैयार हूँ। हम बिला वजह किसी को जान से नहीं मारते, हमें सिर्फ अपने काम से मतलब है। और हमें भी। क्या मतलब? तुम कानून की नजरों में मुजरिम हो, तुम देश की दुश्मन हो। बकवास! पहले ये बताओ कि प्रोफेसर प्रताप कहाँ है? हम तुम्हारी बेटी को रिहा कर देंगे। भाई वाह, प्रोफेसर और प्रताप हमसे ज्यादा कीमती हैं क्या? हाँ, प्रोफेसर हमारे काम के लिए बहुत जरूरी है और प्रताप वो हमारे दिल की दुनिया है। क्या किस्मत पाई है, एक तीर से दो शिकार। अरे वो जालिम हसीना, प्रताप तुझसे नहीं सितारा से मोहब्बत करता है। शट अप! यू शट अप! सॉरी। तुम लोगों ने मुझे तो बचा लिया, लेकिन सूजी के बाप और बाकी साइंसदानों की जिंदगी भी दुनिया के लिए बहुत कीमती है, उन्हें किसी तरह से बचा लो। जाओ। मगर वापस जाना डेंजरस है। मगर ये तो हमारा फर्ज है। प्रोफेसर साहब, आप ये लीजिए बंदूक और ये टीएनटी बॉम्ब्स, वक्त पर काम आएगा। ठहरो, मैं भी आती हूँ। आओ। मत जाया करो सूजी, या तुमको ऐसी जगह मालूम है जहाँ खतरा ना हो? हाँ मुझे मालूम है। तुम सबको वहां ले जाओ और छुपा दो, मैं मेन से भर जाता हूँ। हमारे तीसरे इशारे पर तुम्हारी बेटी इस गैस के धुएं में घुल मिल जाएगी। एक, अब भी वक्त है, वरना बेटी के गम में सारी उम्र रोती रहोगी। न शोहरत दिलासा देगी न दौलत, और देशभक्ति तुम्हारी आत्मा को शांति न दे सकेगी। बोलो, तुम्हें बेटी की जिंदगी चाहिए या? जिंदगी का दूसरा नाम बलिदान है, और बलिदान से आदमी अमर हो जाता है। दो। सितारा! आ गए मेरे महबूब। महबूब कहकर मोहब्बत के नाम की तोहीन न करो। तो फिर अपनी मोहब्बत को आखिरी सलाम कर लो।
बहुत कोशिश की हमने कि तुम हमारे हो जाते, जिंदगी की हर खुशी तुम्हारी गुलाम हो जाती, लेकिन तुम बदकिस्मत निकले, एक मामूली लड़की के लिए अपनी जान दे रहे हो। जिंदगी का दूसरा नाम बलिदान है ना, तुम्हारी ये तमन्ना भी पूरी कर दी जाएगी। देश और देशभक्ति के ठेकेदार, पागल हो तुम, अपने साथ साथ अपनी बेटी और इस बेवकूफ को भी मौत के मुंह में ढकेल दिया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले मिस्टर प्रताप, गो प्रोफेसर वेटिंग। चलो चलो, दिल की धड़कन में तुझको छुपा लूं।